मुरमंस जाने के लिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्टिक सिटी इन आर्टिक सर्कल. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. मतलब मेरे लाइफ का सबसे महंगा ट्रेन है ये, क्योंकि मैंने इस ट्रेन के लिए व्लादिमीर खाकबजाबुत अनस्ताशिया और मुरमंस जो है मॉस्को से लगभग 2000 किलोमीटर दूर है. तो थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली गिफ्ट स्पाशिबा बंचोय दसविदानिया ब्रात. तो हाँ, मैं पहुंच गया हूँ आर्टिक सर्कल में. नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आशीष, स्वागत है फिर से एक बार आपका मेरे YouTube चैनल पे. मैं हूँ अभी मॉस्को रशिया में और आज आखिरी दिन है रशिया में. कैसे 6 दिन बीत गया पता ही नहीं चला. मैं 6 दिन इस घर पे रुका और जो मेरी होस्ट है अनस्तासिया बहुत अच्छी होस्ट है और मज़ा आ गया यहाँ पे रह के. हालांकि हम लोग साथ में समय मतलब बाहर घूमने नहीं गए क्योंकि वो बहुत बिजी थी, पर हम लोगों ने काफ़ी टाइम बिताया साथ में. जब मैं बाहर से आता था रात के समय हम लोग बातचीत करते थे खाना वगैरह बनाना. तो वो अभी रेडी हो रही है, एक्चुअली उसको भी अभी 2 दिन के लिए निकलना है मॉस्को से बाहर अपने दोस्त के पास, क्योंकि 2 हफ्ते के बाद वो भी बाहर जा रही है इस देश से और उसका भी कुछ प्लान है बाहर. तो उसके पास भी टाइम नहीं है ज़्यादा, तो बहुत सारी चीज़ों में वो बिज़ी थी. तो मैं ज़्यादा मिला नहीं पाया, मतलब मिला ही नहीं पाया मेरे ब्लॉग में. तो अभी थोड़ी देर के बाद जब वो रेडी हो जाएगी तो मैं आपसे मिलाऊंगा आखिरी बार और उसको भी थैंक यू और बाय बोलना है. ये सोफ़ा बेड था जिसमें मैं सो रहा था काफ़ी दिनों से, तो ये जो सोफ़ा है वो एक्सटेंड हो जाता है, तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है इस देश में और जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्री में कि सबके पास इस तरह का सोफ़ा बेड है, तो काफ़ी कन्वीनियंट और आरामदायक है. तो ये मेरी होस्ट अनस्तासिया जो काफ़ी बिजी थी पिछले कुछ दिनों से, जो मैं ज़्यादा मतलब वीडियो में आई नहीं पाई है, और आज वो अभी जा रही है अपने दोस्त के घर 2 दिन के लिए और अभी पता नहीं दोबारा कब मिलना होगा. आई थिंक वी आर गोइंग टू मीट इन नेक्स्ट कंट्री. यस, एंड ऑल द वेरी बेस्ट विथ योर प्लान्स एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी. आई होप आई डिडंट इरिटेट यू, यू नो, अ लॉट. आई एम स्टिल हैप्पी, यू नो, टू बी एबल टू स्पेंड टाइम विथ यू आफ्टर 2 years. And hopefully, you know, we gonna meet again somewhere in the world. Somewhere, yeah. Yeah, definitely. And all the best to you. Yeah, thank you. तो अभी जा रही है और आज मेरा आखिरी दिन है. मैं भी जा रहा हूँ मॉस्को से अब नए सिटी में और 2 दिन का लंबा जर्नी होने वाला है. तो इज अ फाइनल बाय बाय दसविदानिया. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. तो अभी अनस्तासिया चली गई, अभी उसका घर मेरा घर हो चुका है क्योंकि वो अभी 2 दिन के लिए अपने दोस्त के घर पे गई है और अपना चाबी मेरे को छोड़ के गई है मेरे पास. और मेरा ट्रेन है शाम को, मतलब रात को 8 बजे का, और अभी 1:30 बज रहा है. तो एक चाबी मेरे पास है, तो जब मैं जाऊंगा तो चाबी मैं रख के जाऊंगा जहाँ पर मुझे बताया गया रखने के लिए. तो बस अब मेरे पास कुछ घंटे हैं यहाँ पे, उसके बाद फिर मैं निकलूंगा एक नए शहर जो है मुरमंस्क. तो रशिया में सबसे बड़ा ट्रेन जर्नी होने वाला है आज, तो देखते हैं कैसा रहता है. और यहाँ का मौसम, आज कल रात को बहुत बारिश हुआ, अभी भी बारिश हो रहा था, पर अब मौसम खुल रहा है तो इस जगह को मैं मिस करूँगा. 6 दिन कैसे बीत गए यहाँ पे एकदम पता नहीं चला. मॉस्को के लिए 6 दिन कम है सच में. अभी मैं सुपरमार्केट से सामान ले लिया हूँ मेरे ट्रेन के लिए. 500 रुपये का सामान आ गया है 2 दिन के लिए, खाना पीना. तो मैं रूम पे जाकर दिखाता हूँ. तो ये एवेन्यू मॉल है, इसके अंदर में सुपरमार्केट था, तो वहाँ से मैं अभी खरीदा हूँ सामान. तो उस तरफ है मेरा अपार्टमेंट. तो ये सारा सामान है, 2 मैंने नूडल्स का डब्बा लिया है और एक केक और एक जैम, मेरे पास ब्रेड है और 2 एप्पल. तो इसका 500 रुपये पड़ गया. तो इतना महंगा है अभी रशिया की, मैं क्या बोलूँ. थोड़ा सा सामान खरीदने से 400-500-600 रुपये ऐसे निकल जाता है, वो भी सुपरमार्केट से. चलो कोई बात नहीं, अभी फटाफट रेडी होते हैं. तो अभी शाम का 5:30 बज रहा है, अब मैं जा रहा हूँ स्टेशन की तरफ. उसने मुझे एक चाबी दे दिया, बोला कि जब तक तेरा ट्रेन का समय नहीं होता है तू यहीं पे रहे, और जाने के पहले वो चाबी कहीं पे रख देना जो मुझे अनस्तासिया को पता है. तो मतलब क्या बोलूँ मैं, कितना ट्रस्ट. मतलब 2 दिन के लिए नहीं है, मुझे चाबी दे दिया, अब फिर वो बोल रही कहीं और रख देना, कोई दिक्कत नहीं है. तो
मुझे पता नहीं कि हमारे देश में इतना ट्रस्ट कोई किसी पे करेगा कि नहीं करेगा, वो भी अनजान बाहर के लोगों पे, पर यहाँ के लोग करते हैं। तो यहाँ पे मेरा सामान पैक हो गया है, यहाँ पे एक बैग पैक हो गया, ये भी बैग पैक हो गया है, अब इसको उठाना है और निकलना है स्टेशन की ओर। पहुंच गया हूँ रेलवे स्टेशन और ये है रेलवे स्टेशन का बिल्डिंग और अभी बज रहा है 6:30, तो मेरे पास अभी भी 1.5 घंटा टाइम है, जल्दी पहुंच गया मैं। तो यहाँ से अभी एंटर करेंगे और आखिरी बार मॉस्को सिटी को देख लेता हूँ। अलविदा, अब दोबारा कब आना होगा पता नहीं। तो मेरा सिक्योरिटी हो गया, यहाँ पे सिक्योरिटी चेक्स होता है। अभी देखना पड़ेगा कि ट्रेन कितने नंबर प्लेटफॉर्म में है आएगा। तो काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है ये, तो मैं जा रहा हूँ मुर्मंस्क। 40 घंटे का, लगभग 40 घंटे का ट्रेन है और यहाँ पे जो है आप ऑफलाइन टिकट भी काट सकते हो, पर वो किस्मत के ऊपर है कि आपको मिलेगा कि नहीं, पर यहाँ पे ऑफलाइन टिकट काउंटर भी है। तो अनाउंसमेंट हो गया है और यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ आ रहा है जो बहुत बढ़िया है। तो 92 नंबर देख सकते हो, मॉस्को टू मुर्मंस्क, 8:10 का ट्रेन है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगा हुआ है। तो अब प्लेटफॉर्म में चलते हैं। तो ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1 और मॉस्को का जो ये वाला रेलवे स्टेशन है बहुत बड़ा है, बहुत सारे ट्रैक्स है। तो ये वाला जो स्टेशन है ना, कोलकाता में हावड़ा रेलवे स्टेशन है ना, वैसा याद दिला रहा है कि एकदम लाइन से रेलवे ट्रैक्स है। तो ये है मेरा ट्रेन जो मुर्मंस्क लेके जाएगा और मैं पहली बार जाऊंगा आर्टिक सिटी, द बिगेस्ट आर्टिक सिटी इन द वर्ल्ड। तो सामने जो कोच है ये मेरा है 2 नंबर, तो अभी तक खुला नहीं है, तो अटेंडर आके खोलेगी, उसके बाद हम लोग सब अंदर जाएंगे। तो लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो अटेंडेंट है वो सीढ़ी लगा रही है अंदर आने के लिए, तो अब इन लोग बोर्डिंग चालू करेंगे। तो अभी ये सीढ़ी लगा रही है, आप देख सकते हो। तो लाइन में लग जाता हूँ मैं। नंबर मेरा बर्थ है, मैं जा रहा हूँ कूपे में क्योंकि मेरे को 3 जो ओपन वाला है ना वो सीट नहीं मिला था। अरे ट्रेन मैनेजर का कार्ड भी है यहाँ पे। तो मैंने जो है अपना सामान रख दिया है और अब यकीन नहीं हो रहा है कि मैं जा रहा हूँ मुर्मंस्क, जो दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिक सिटी है और आर्टिक सर्कल में है। तो मतलब एक सपना था आर्टिक सर्कल में जाना। यूरोप की तरफ से तो अभी फ़िलहाल नहीं जा सकता, मतलब शेनिगन की तरफ से फ़िलहाल मैं यूरोप में ही हूँ, पर क्योंकि वहाँ से जाऊँगा तो बहुत एक्सपेंसिव है। तो रशिया की तरफ से मैं जा रहा हूँ और मतलब और वो भी बिगेस्ट सिटी इन आर्टिक सर्कल, तो काफ़ी मज़ा आएगा, देखते हैं कैसा रहता है क्योंकि अभी वेदर का मैंने चेक नहीं किया है वेदर कैसा रहेगा वहाँ पे। और मुर्मंस जो है मॉस्को से लगभग 2000 किलोमीटर दूर है, तो 2000 किलोमीटर के लिए 40 घंटा लगेगा। तो आज 8 बजे का ट्रेन है, 8:10 का, तो मैं परसों सुबह 9 बजे के आसपास पहुंचूंगा, तो समझ लो कि 40 घंटा लगेगा ट्रेन में। तो मेरे को तो आदत है, मैंने कजाकिस्तान में किया था लंबा जर्नी ट्रेन में, तो अभी वापस से एक बार होने वाला है लंबा जर्नी रशिया में। और मेरे सामने जो आप देख रहे हो ये है हाई स्पीड ट्रेन, ये सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा है यहाँ से, और ये चेयर कार है, तो काफ़ी अलग लुक है इस ट्रेन का। ट्रेन जो है बराबर 4 बजे निकल चुकी है और अभी इट्स ओके व्लॉग ओके। तो ट्रेन जो है अभी बराबर 4 बजे निकल चुकी है और अभी अब पता नहीं, अभी यहाँ से शायद 2 घंटे के बाद पहला स्टॉप है। तो ये मेरे को पैसेंजर है प्रीवियत हेलो। और ये खागवा जाबूत सेवा सेवा मिनिया जाबूत आशीष वचिन प्रियातना हेलो। तो मेरे साथ ये दोनों कपल है, हस्बैंड वाइफ, और उनका सन है सिव्या हेलो। खागवा जाबूत व्लादिमीर, खागवा जाबूत अनस्ताशिया ओके। तो व्लादिमीर, अनस्ताशिया, आशीष और सेवर,
तो व्लादिमीर ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, स्पासिबा बंशोय। तो लग रहा है लोग काफी सही है, मजा आएगा। सफर काफी लंबा है तो बातचीत करते हुए समय निकालेंगे और अच्छा लगेगा, मजा आएगा। So you go Murmansk small, like pretty less, or you live there? 6 months later. 6 months later you're going. Okay. I live in Murmansk with my husband and my son. Mm-hmm. До 6 месяцев я не видела ночи в Мурманске. Но когда я приехала из Сургута, я видела темные ночи своими глазами. Не понимает. मैं थोड़े पहले अपना बेड सेट किया और अभी मैं जब बाहर देख रहा हूँ तो इतना सुंदर सनसेट हो रहा है। काश ये सनसेट कल हो रहा होता, कल इतना बारिश हुआ है कि क्या बोलूँ मैं। पर आज का सनसेट देखो, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत सुंदर लग रहा है मॉस्को का सनसेट। तो वापस से मैंने यहाँ पे RZD वाला ग्लास ले लिया है मेरा कॉफ़ी के लिए, और बाहर अभी भी बहुत उजाला है और अभी 9:30 बजने वाला है, 9:14 हो गया है टाइम। शो लाइक दिस। यस तो ट्रेन अभी रुका हुआ है, अभी बीच में पता नहीं क्यों। तो मैं अपना कॉफ़ी एंजॉय करूँगा रात के 9 बजे, और यहाँ पे मेरा सारा खाना है 2 दिन का, तो इसी से मेरे काम चलाना पड़ेगा। Dobre utra. Good morning, Petro Zabdrok से। तो ये Petro Zabdrok रेलवे स्टेशन है और आज अगला दिन ट्रेन में। अभी थोड़े पहले मैं उठा हूँ सो के, अभी 10:30 बज रहा है सुबह का और यहाँ पे बारिश हो रहा है। तो यहाँ पे आधा घंटा का ट्रेन स्टॉपेज था, अभी ट्रेन शायद छूटने वाला है, तो वो बोल रही है अंदर आने के लिए। तो अभी मैं सो के ही उठा, बहुत ज़्यादा सोया हूँ मैं आज में। तो आई थिंक अनाउंसमेंट हो गया अभी अंदर जाने का, तो अगला स्टेशन जो भी मिलेगा मैं आपको दिखाऊंगा। अभी बारिश भी हो रहा है यहाँ पे। ये मेरा पिटारा है, भूख लग गया है तो नाश्ता करना है, तो मैं सोच रहा हूँ क्या खाऊं। तो मेरे पास ब्रेड पड़ा हुआ था, तो मैंने ये एक्चुअली एक दिन पहले ही ख़रीदा था, तो ब्रेड और कल मैंने जो ये जैम ख़रीदा है, तो इस जैम के साथ मैं अभी नाश्ता करने वाला हूँ। तो 2 एप्पल ले लिया हूँ मैं, तो आई थिंक अभी नाश्ता के लिए सही रहेगा ये। तो अभी दोपहर के 2 बजने वाले हैं और मैं मतलब जा तो रहा हूँ मुर्मंस्क की तरफ, पर यहाँ पे इस स्टेशन का नाम है मेदवेज़िया गोरा। तो यहाँ पे ट्रेन थोड़ी देर के रुका हुआ है, तो मैंने बताया नहीं ना, इस ट्रेन का जो मैंने मतलब मेरे लाइफ का सबसे महंगा ट्रेन है ये, क्योंकि मैंने इस ट्रेन के लिए 5,500 रुपया दिया है, क्योंकि फ़्लाइट बहुत महंगा पड़ रहा था, 10,000-11,000 के ऊपर पड़ रहा था। और मैंने फिर सोचा कि ट्रेन में, क्योंकि लगभग 2000 किलोमीटर और मेरे से हिचहाइक 2000 किलोमीटर नहीं हो पाएगा, और मेरे पास अब ज़्यादा दिन का वीज़ा बचा भी नहीं है। मैं रशिया में हिचहाइक बहुत मिस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत मन था रशिया में और ज़्यादा हिचहाइक करने का, पर जो डिस्टेंस है, इतना बड़ा देश है कि मतलब क्या बोलूँ मैं, डिस्टेंस बहुत लंबा है। अगर मैं हिचहाइक करूँगा इतना लंबा तो मेरे को 3-4 दिन एक्स्ट्रा लेकर चलना पड़ेगा, कि पता नहीं कभी कब मेरे को राइड मिलेगा नहीं मिलेगा, कहाँ फिर रुकना पड़ेगा रात को। पर देखते हैं, अभी मैं कोशिश करूंगा कि एक बार तो हिचहाइक करूं मैं रशिया में, और मुझे मन है कि यहाँ पे जो बड़े बड़े ट्रक्स हैं उसमें हिचहाइक करने का। तो रशिया में क्या है ना, स्टेशन के बाहर आप स्मोक कर सकते हो, लोग यहाँ पे स्मोक कर रहे हैं, हवा का मज़ा उठा रहे हैं, और कुछ इस तरह का नज़ारा है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे ये भी नोटिस किया कि लोग मछली बहुत सेल कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारी बबुशका है लोकल वेंडर जो प्लेटफॉर्म में आके मछली बेच रही हैं। तो जिस जगह में मैं जा रहा हूँ मुर्मंस्क, वहाँ पे मछली बहुत फेमस है और लोग ज़्यादा मछली खाते हैं वहाँ पे।
तो अभी वही मैं देख रहा था कि लोग यहाँ पे एक छोटे से वो बास्केट में मछली सेल कर रही है यहाँ पे बाबुश्का। यहाँ पे मैंने ये भी नोटिस किया है कि जहाँ जहाँ पे ट्रेन ज्यादा टाइम तक रुकता है ना, तो लोग स्टेशन से बाहर जाते हैं। यहाँ पे सीढ़ी है तो लोग बाहर जाके भी बहुत सारे चीजें खरीद के लेके आ रहे हैं खाने पीने के लिए। और यहाँ पे भी सेल तो हो रहा है, पर जब ज्यादा टाइम रहता है तो लोग जाते हैं बाहर, फिर अपने टाइम पे आ जाते हैं। और रशियन ट्रेन का एक और खास बात यह है कि यहाँ पे कुछ कुछ जो कार्ट है, इस कार्ट के अंदर आप पेट्स लेके भी ट्रैवल कर सकते हो। तो चाहे वो बिल्ली हो, कुत्ता हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पे लोग, मैंने देखा कि बिल्ली है तो यहाँ पे देखो आप एक कुत्ता भी है, तो ये भी ट्रैवल कर रहा है। तो ये सारे पेट फ्रेंडली कोच है जहाँ पे आप अपने पेट्स को लेकर ट्रैवल कर सकते हो। पाका फिर से एक पाका। अभी बज रहे रात के 9, अगर भरोसा नहीं हो रहा लाइट देख के तो मैं बता देता हूँ। तो 9 बज रहा है अभी, और अभी मैं जिस जगह पे हूँ उस जगह का नाम कैम है। तो इस ट्रेन का स्टॉपेज जो है ना 48 स्टॉपेज है यहाँ पे। और अभी थोड़ी देर पहले जब यहाँ पे ट्रेन रुका तो मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है जो मैं आपको मुरमंस्क पहुँच के बताऊँगा। तो अभी यहाँ पे शायद 30 मिनट ट्रेन रुकने वाली है, तो उसके बाद पता नहीं रात कब होगा, क्योंकि अभी एकदम मैं आर्टिक सर्कल के अंदर जाने वाला हूँ। मतलब आर्टिक रीजन में मैं अभी तक पहुँचा नहीं हूँ, और 2-3 घंटे में मैं पहुँच जाऊँगा। तो अभी कुछ इस तरह का माहौल है कैम स्टेशन का। अभी गर्मी का टाइम है, पर टेम्परेचर है जो है अभी यहाँ पे 13 डिग्री सेल्सियस है। अगर आप ठंडे में आओगे यहाँ पे विंटर्स में, तो इस पूरा का पूरा जगह है ना, ये बर्फ से जमा हुआ रहता है, पूरा एकदम सफ़ेद चादर बना हुआ रहता है यहाँ पे। पर अभी गर्मी में भी ठंडा है, मतलब क्या बोलूँ मैं। हाँ, तो अभी मैं शेयर करता हूँ क्या हुआ मेरे साथ। ऐसा हुआ कि मैं मूवी देख रहा था अपने फ़ोन में ऊपर में, तो एक ऑफिसर आया, आके मेरे को नॉक किया। फिर मैं नीचे उतारा, पूछा पासपोर्ट देखा, तो पासपोर्ट देखा मेरा, क्या कहते हैं जो यहाँ पे एंट्री कार्ड देते हैं ना, वो इमिग्रेशन कार्ड, वो देखा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मेरे को वापस जब मैं निकलूँगा तो वो सबमिट करना है इमिग्रेशन ऑफिसर को। तो वो देखा, फिर मेरे को पूछा कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे। मैं बोला घूमने जा रहा हूँ मुरमंस। फिर मेरा पासपोर्ट का फ़ोटो क्लिक किया, मेरा वीज़ा का फ़ोटो क्लिक किया, उसके बाद फिर पूछा कितना बैग लेके जा रहे हैं, मैंने बोला एक, फिर वो चला गया। तो ये हुआ है मेरे साथ। तो देखते हैं मुरमंस में क्या होता है। आज है दूसरा सुबह, और मैं अब 15 मिनट में मुरमंस पहुंचने वाला हूं। और अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं, और 9 बजे का टाइमिंग है 9:10 का। तो अभी 15-20 मिनट में मुरमंस पहुंच जाऊंगा। तो अभी वही सारा जो चादर वगैरह दिया था मुझे, उसको मैंने को फोल्ड करना पड़ा और वापस देना पड़ा अभी। तो चादर वगैरह आपको देंगे, आपको वो यूज़ करना है, उसके बाद फिर आपको वापस करना है, तो ये एक प्रथा है यहाँ पे। तो अभी मैंने वापस दे दिया है। अभी इधर में हम लोग पहुँचेंगे, तो बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह का है। मौसम बादल छाया हुआ है, पर अच्छी बात है कि बारिश नहीं हो रही है। थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली गिफ्ट, स्पाशिबा बंचोय। थैंक यू, इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है ये, सो थैंक यू। दसविदानिया, बाय। दसविदानिया व्लादिमीर, बाय बाय। पक्का दसविदानिया, दसविदानिया ब्रात, पाका। थैंक यू, पाका, बाय, पाका। तो मैं पहुंच गया हूँ मुरमंस, और ठंड बहुत ज़्यादा है। तो क्या खतरनाक ठंड है यहाँ पे, तो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी विंटरलैंड में आ गया हूँ। और ये है मुरमंस का स्टेशन। मुरमंस
मैं हूँ अभी मुर्मांस्क में, जो दुनिया का सबसे बड़ा आर्कटिक सिटी है, आर्कटिक सर्कल में। तो हाँ, मैं पहुँच गया हूँ आर्कटिक सर्कल में, जो बहुत करीब है नॉर्थ पोल का। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। काफ़ी ज़्यादा ठंड है अभी। मेरे साथ थोड़ा सा इंसिडेंट हुआ है बाहर, जब मैं निकला रेलवे स्टेशन में, जब मतलब प्लेटफॉर्म में बाहर निकला, वो मैं अपने हॉस्टल में जाके समझाऊंगा कि क्या हुआ था। और अभी यहाँ पे मेरे को काउचसर्फिंग होस्ट मिला नहीं। मैंने कुछ रिक्वेस्ट डाला था तो किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो मैं यहाँ पे अभी हॉस्टल में रहने वाला हूँ। तो 20 दिन के बाद रशिया में ट्रैवल करने के बाद मैं अभी हॉस्टल में रहूँगा। तो यहाँ से हॉस्टल जो है वो 1.5 किलोमीटर है। तो अभी यहाँ से शायद मेरे को जाना है वॉक करते हुए, और ये रेलवे स्टेशन है। तो अभी चलते हैं। काफ़ी ठंड है, मेरा हाथ जम रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड है। अभी तक का सबसे ज़्यादा ठंड मेरे को यहीं पे फील हो रहा है, पूरे रशिया में। लोग यहाँ पे आप देखो जैकेट पहने हुए हैं, बड़े बड़े लॉन्ग कोट पहने हुए हैं। तो आप समझ सकते हो रशियन अगर जैकेट पहना हुआ है तो फिर कितना ठंडा हो सकता है यहाँ पे। अभी टेम्परेचर 9 डिग्री सेल्सियस है मुर्मांस्क में, तो 9 डिग्री के हिसाब से ये पतला सा स्वेटर काम नहीं करेगा। हाय प्रिवियत, हाउ आर यू? Good, thank you. So I have a booking, Ashish. My passport. तो मैंने इनको अर्ली चेक इन के लिए बोला था, तो अभी वो कोशिश कर रही है कि अर्ली चेक इन मेरे को दे दे, क्योंकि अभी सिर्फ 9 बजे इनका चेक इन टाइम है, 2 बजे। तो 2 बजे तक मैं क्या करूँगा, तो मैंने अभी बोला है, देखते हैं। And это какое приложение должен использовать, чтобы видеть автобус здесь? App Double Gaze, Yandex. Yandex Card. Bottom, снизу. Please. Прям очень снизу. А туда никак? Please. Three nights I will be like comfortable. I can wait for some time, no problem, if you can manage. Eta? Toilet Eta, хорошо. Sure. Thank you. Room. Eta? Okay. Sure. Thank you, спасибо. तो यहाँ पे मेरे को मिल गया है बॉटम बेड, बहुत रिक्वेस्ट करने का, क्योंकि मेरे को ऊपर का बेड दे रही थी और मेरे को 3 दिन रुकूंगा और मेरे को ऊपर का एकदम पसंद नहीं है। तो ये 4 बेडरूम है, तो बढ़िया है। और एक रात का मेरे को यहाँ पे 750 रुपये पड़ रहा है।